हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लोवाकिया वीज़ा फॉर हाईली स्किल्ड फॉरेन नेशनल्स एंड रीलोकेटेड एम्प्लॉयज़ नाउ अवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, वीज़ा फॉर हाईली स्किल्ड फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स में हम भी आते हैं, इंडियंस हो गए, हमारे जो पड़ोसी देश के दोस्त हैं वो भी हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स ये साइट है fragomen.com। फ्रेंड्स, मैं शुरू में बताना चाहता हूँ, कोई मेरा इस साइट से रिलेशन नहीं है, अच्छी साइट है, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। इस साइट पे आइए, साइट को नोट कर लीजिए, सारी वीज़ा और काम की अपडेट्स इस पे आती रहती हैं, तो आप इस साइट पे हमेशा आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए जुलाई 2022 में हाईली स्किल्ड फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट परमिट नेशनल वीज़ा के लिए, वैलिड फॉर अप टू 1 ईयर विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटेंशन। मतलब अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, मतलब आप अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आप इंडिया में अच्छी जगह काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए नेशनल वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको मिलेगा और एक्सटेंशन भी मिलेगा उसके बाद, जब आप स्लोवाकिया में काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द नेशनल वीज़ा इज़ सुटेबल फॉर फॉरन नेशनल्स आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मतलब हम लोग हो गए सीकिंग रीलोकेशन टू अ स्लोवाकियन एंटिटी ऑन देयर करंट एम्प्लॉयर और हाईली क्वालिफाइड फॉरन नेशनल फ्रॉम स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी सीकिंग इनिशियल एम्प्लॉयमेंट इन स्लोवाकिया। आप देखिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको फर्स्ट टाइम जॉब चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है इनिशियल एम्प्लॉयमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर समझ लीजिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडिया में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल वीज़ा के लिए। ये देखिए पूरा इन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली इसका एम क्या है, देखिए द वीज़ा एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन टैलेंट विद इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन एन एफर्ट टू फुलफिल डिमांड अमंग ऑनगोइंग लेबर शॉर्टेजेस। बहुत लेबर शॉर्टेज चल रही है स्लोवाकिया में, इसलिए इन्होंने ये वीज़ा निकाला है फ्रेंड्स। ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो यूरोप के सिटीजन है उनके लिए नहीं है। मतलब आपका एक कॉम्पिटिशन तो वैसे ही ख़त्म हो गया कि जो लोग भी यूरोप के हैं, मतलब स्लोवाकिया यूरोप में ही आता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका एक कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, आपको आराम से जॉब मिल सकती है। अब देखिए पूरा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैनेजर्स एंड हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट, मतलब आप अगर किसी भी फील्ड में मैनेजर रहे हैं, अगर स्टोर मैनेजर रहे हैं, अगर आपने कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब की है, आप वहाँ फ्रंट डेस्क मैनेजर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके लिए। ठीक है, और देखिए इंडिविजुअल्स मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड विद द स्पॉन्सरिंग कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इट क्लेरिफाइड एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड वंस द एप्लीकेंट कमेंसेस वर्क इन स्लोवाकिया। मतलब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आप स्लोवाकिया जाके भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो आजकल चल रहा है रूट की, पहले वर्क परमिट का कॉन्ट्रैक्ट लाइए उसके बाद अप्लाई करिए, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पहुँच के भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड वंस द एप्लीकेंट स्टार्ट्स वर्किंग कमेंसेस वर्किंग स्लोवाकिया। ठीक है, ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। देखिए फैमिली मेम्बर्स ऑफ नेशनल वीज़ाज अंडर दिस कैटेगरी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फैमिली रियूनियन, अकंपनिंग डिपेंडेंट्स आर ऑल्सो एबल टू स्टडी और वर्क। देखिए मतलब आपके डिपेंडेंट होंगे, वो पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकते हैं, वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि ये नया प्रोसेस है, खुद बोल रहे हैं क्विक प्रोसेस है, सिंस द प्रोसेस फॉर नेशनल वीज़ा इज़ नॉट एज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिमांडिंग एज अदर परमिट टाइप्स, बोथ न्यू एंड रीलोकेटेड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट वर्किंग स्लोवाकिया सूनर देन अदर परमिट टाइप्स। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो वीज़ा है फ्रेंड्स, ये वीज़ा आपको बाकी वर्क परमिट्स, ये देखिए जो बाकी वर्क परमिट टाइप्स हैं उनसे जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान देना है, ये एक नई स्कीम है फ्रेंड्स, इसके लिए अप्लाई करिए, इसके लिए कोई वेटिंग भी नहीं है। मेरा वीडियो देखिए, मैंने वीडियो में क्लियरली लिखा है कि ईमेल आपको कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है। अगर आपको डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा फ्रेंड्स आपको क्या करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आपको एक अच्छी सी मेल लिखनी है और एक कवर लेटर बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे क्या करना है, और हम लोग आपका मेल बना देंगे और आप 15 दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा वहाँ से। कंडीशन क्या है, आपको हाईली स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें काउंसलर डिस्क्रिप्शन है, मतलब ऑब्वियसली जो एम्बेसी होगी वही डिसाइड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एज ऑफ अक्टूबर 2022 स्लोवाकिया अथॉरिटीज सिंप्लीफाइड द डी वीज़ा प्रोसेस फॉर मैनेजर्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास अच्छी जॉब
एक्सपीरियंस है, मैनेजर का जॉब किया है, तो आप लोग के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये देखिए जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको नए पेज पे ले जाता है। ये देखिए पूरा फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोसीजर, ठीक है, आप इसको पढ़िए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है कि मैनेजर्स की जॉब कौन सी अच्छी अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस साइट पर आना है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको आ जाना है इस साइट पर, goodcall.sk पे आप आ जाइए। आप देखिए यहाँ पे इनका क्या है थंबनेल, रिफ्रेशिंग न्यू वे ऑफ डूइंग रिक्रूटमेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत बढ़िया साइट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आके अपनी ड्रीम जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फाइंड योर ड्रीम जॉब इन्होंने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको ज़्यादा अभी लंबा नहीं करूँगा वीडियो को फ्रेंड्स, आप लोग इस साइट पर आइए, इस पर लर्न मोर पर क्लिक कर दीजिए, जॉब ढूंढिए और इस वीज़ा के लिए फटाफट अप्लाई करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिल भी बहुत जल्दी जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो स्लोवाकिया का हाईली स्किल्ड, ये देखिए हाईली स्किल्ड फॉरेन नेशनल जो वीज़ा है, इसके लिए अप्लाई करिए, ये वीज़ा लीजिए। कोई भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप पर आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, सब कुछ वहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।